बेमेतरा में बुधवार को सैकड़ों की संख्या में ग्राम सरपंच कलेक्टोरेट पहुंचकर समस्या के निराकरण को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई। स्वीकृत विकास कार्य एवं उसके भुगतान पर रोक लगाने को लेकर बेमेतरा जिले के जनपद साजा अंतर्गत ग्राम सरपंच कलेक्टोरेट पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। सरपंचों ने कलेक्टर को बताया कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से पंचायत में स्वीकृति विकास कार्य एवं उसके भुगतान पर रोक लगा दी गई है, जिससे पंचायत में स्वीकृति सभी विकास कार्य रुकी हुई है। साथ ही जो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं उसके भुगतान को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरपंचों के परेशानी से अवगत होने के बाद कलेक्टर रणवीर शर्मा ने तकनीकी समस्या बताते हुए जल्द ही निराकरण का आश्वासन दिया है। हम पूरे जो आए हैं साझा विधानसभा क्षेत्र से हैं, पूरे सरपंच लोग आए हैं एक साथ में, पूरे पंचायत में भी समस्या है। जब से साझा विधान सभी जगह चुनाव है, चुनाव होने के बाद जो पंचायत काम में रोक लगा है निर्माण काम में, तो वो जल्द से जल्द खुले ये निवेदन लेके आए हैं। और ये बंद होने से बहुत ज़्यादा परेशानी है, कहीं स्कूल बन रहा है, कहीं स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, कहीं रोड बन रहा है, पूरा जन सुविधा का ही काम हो रहा है, लेकिन उस काम में रोक लगने से सरपंच लोग तो परेशान ही है तो है, लेकिन आम जनता भी उससे परेशान है कि उन लोग को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वो बंद हो रहा है काम, पहले चालू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सुविधापूर्ण काम था वो सभी और अभी बंद है। तो अभी आए हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं, समस्या बतलाए हैं, तो महोदय जी ने हमको आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी आप लोग का समस्या का निराकरण होगा। आज हमारे जनपद पंचायत के 15-20 के पैसा के 22-23 के राशि है, 21-22 के राशि है, ये राशि हरण नहीं हुआ थे कि एक खाता से ठेकेदार, जिसे पंचायत के खाता से ठेकेदार के खाता में जाना है, वो ट्रांसफर नहीं हुआ थे, तो बारे में कलेक्टर साहब ला अवगत कराए। तो कलेक्टर साहब जिला सी ओ मैडम भी है, तो की थे कल के बाद काम ऐसा हो जाए, जानकारी यहाँ तक के नहीं आ रही थी, तो आज बोले हैं बताए हैं ना, तो काम हो जाए कि आश्वासन दे है। आज सरपंच संघ जो है 15वें वित्त की राशि न मिलने को लेके जो है वो मिले थे मुझसे, और उसमें उनके द्वारा जो बात रखी गई तो उसकी जांच हुई, तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर में कुछ तकनीकी समस्याएं थी, इस वजह से उनकी राशि उन तक नहीं पहुंची, तो उसको अगले एक सप्ताह में हम उसको तकनीकी समस्या का निराकरण करके वो राशि उनके खाते में पहुँची। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।